हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी से यारी चैनल। फ्रेंड्स, आप ये प्लांट देख रहे हैं, आप इन्हें जरूर पहचानते होंगे क्योंकि ये हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इन्हें सदा बहार, सदा सुहागन, बारामासी, पेरीविंकल और विंका के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो विंका की इसी देसी वैरायटी के ऊपर है कि इसे कैसे लगाया जाए, इसकी देखभाल कैसे की जाए और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये एक परमानेंट प्लांट है, ये साल भर फ्लावरिंग करता है, तभी तो इसका नाम सदाबहार है। पर गर्म एरिया का पौधा है, इसलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये सदाबहार की देसी वैरायटी है। इसमें दो ही कलर के फ्लावर आते हैं, एक ये वाइट और दूसरा ये पिंक। इस प्लांट को आप एक बार अपने गार्डन में ले आइए, ये कभी जाने का नाम नहीं लेगा। ये सन लविंग प्लांट है, इसे आप फुल सनलाइट में रखिए, ये गर्मियों की तेज धूप भी सहन कर लेता है। प्रॉपर सनलाइट ना मिलने पर इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है। अच्छा शेप देने के लिए और बुशी करने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए, ये ऐसी लंबी लंबी ब्रांचेज लटक रही हैं, इसका शेप गड़बड़ हो रहा है, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो ये अच्छा घना हो जाएगा और अच्छा शेप भी आ जाएगा। और इन ब्रांचेस को आप किसी पॉट में लगा कर ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, ये 10-12 दिन अच्छी ताजी बनी रहती है। इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, 7 से 8 इंची गमला पर्याप्त होता है, पर ये छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से लग जाता है। देखिए, मैंने ये छोटे से डब्बे में लगाया है और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए, ये सारे प्लांट मैंने ये पॉली बैग में लगा दिए हैं क्योंकि इतने सारे गमले इसी में एंगेज हो जाएंगे तो फिर दूसरे प्लांट के लिए नहीं बच पाएंगे। सॉइल की बात करें तो ज़मीन में तो ये हर तरह की सॉइल में लग जाता है, पर गमले के लिए इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए क्योंकि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, इसमें फंगस जल्दी लग जाती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और 20% सैंड ले लीजिए। इस तरीके से आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हो जाएगी, इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो 4-5 महीने में एक बार थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है, इसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप सॉइल चेक कर लीजिए, अगर अपर पार्ट की सॉइल ड्राई हो गई है तभी आप पानी डालिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे सीड से और कटिंग से दोनों ही तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए, इस तरीके से इसमें ये सीड पॉड निकल आते हैं, ये फलियां निकल आती हैं, देखिए, और जब ये पक जाती हैं तो इसमें इस तरीके के सीड तैयार हो जाते हैं। कई बार ये सीड अपने आप ही बिखर जाते हैं, तो देखिए कितने सारे बेबी प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं। और मैंने ये सारे प्लांट ऐसे ही ट्रांसप्लांट करके लगाए हैं, तो देखिए ये सीड से लगाने के लिए आप सॉइल में ये सीड स्प्रिंकल कर दीजिए और इन्हें सॉइल से थोड़ा सा कवर कर दीजिए, सॉइल की एक पतली लेयर डालना है आपको। ये 1 वीक में पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी कटिंग ले लेते हैं।
कटिंग से लगाने के लिए आप इसका अपर पार्ट लीजिए, 5 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए और इसके नीचे की लीव्स निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने 4-5 ले ली हैं। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसे आप इस तरीके से सॉइल में लगा दीजिए। बस अब इसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा और इसे 3-4 दिन शेड में रखना है और उसके बाद फुल सनलाइट में। ये प्लांट आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभदायी है, और शुभदायी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये बहुत सी बीमारियों में लाभदायक है, इसका उपयोग किया जाता है। डायबिटीज़ की तो ये अचूक दवा है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसकी 3-4 पत्तियाँ और फूल ले लीजिए आप, उन्हें अच्छे से धो लीजिए और 1 कप पानी में बॉईल करके सुबह खाली पेट पीजिए, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। दूसरी डिजीज़ है कैंसर, कैंसर के लिए ये वाइट फूल वाला प्लांट ज़्यादा उपयोगी होता है। इसकी 2-4 पत्तियाँ और फ्लावर को आप बॉईल करके पिएंगे तो इससे कैंसर की कोशिकाएं हेल्थी नहीं है और मरीज की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। ये कुछ लोगों को मैंने उपयोग करते हुए देखा है और वे ये प्लांट मुझसे ले भी गए हैं, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। स्किन डिजीज़ में भी ये बहुत लाभदायक है, खाज, खुजली, कोई इंसेक्ट ने आपको काट दिया है, जलन हो रही है तो वहाँ पर आप इसकी पत्तियों को पीस कर उसका रस निकाल कर लगा लीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। मैंने ये उपयोग करके देखा है, फ़ायदा मिलता है इससे। ये एंटी रिंकल भी है, ये हमारे फेस की झुर्रियों को कम कर देता है। तो आप इसकी पत्तियों का रस अपने चेहरे पर लगा लीजिए और 15 मिनट बाद फेस को धो लीजिए, इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपका फेस ग्लो करने लगेगा। तो आप ट्राई ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।